सवाल की स्पाई का किरदार इसमें है, बाकी आप बेटी भी हैं और वाइफ भी बनी हुई हैं जी, ये जो सारी प्रैक्टिस हमने देखी ट्रेलर में किस तरीके की थी, जरा उसके बारे में बताएं कि एग्जैक्टली किन किन ट्रेनिंग से आप गुजरी। आई मीन थोड़ी सी जो टेक्निकल ट्रेनिंग करनी थी, जैसे कि मोर्स कोड जो अभी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, एक डॉट है और एक डैश है जिसको हम डिट डा कहते हैं। वैसे तो इतना आई डोंट नो कितना फ़र्क पड़ा है कि मैंने एक्चुअली कोड्स मेमोराइज किए थे, क्योंकि सीन में तो साउंड नहीं था, पर मैंने और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर आरजू, उन्होंने नहीं ना मैम एमिंग मेमरी आरजू शुड बी टोल्ड, उन्होंने कहा था कि नहीं हम पूरा लर्न करेंगे मैम। आई सेड ठीक है, पर ये कोड्स है, मैं एक एक्टर हूँ, मैं आर्मी तो ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ कि मैं क्यों कोड लर्न करूँ। नहीं मैम हम लोग करेंगे। इन रेट्रोस्पेक्ट ऑन सेट ये लोग तो हमारा पूरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं अच्छा आरजू कौन सा वाला डिड डा ठीक है डिड डा डा आई वाज डूइंग दैट। इवेंचुअली आई रियलाइज कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो कोड लर्न किया, क्योंकि जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे ये पता है कि मैं एक सेकेंड के लिए भी कैरेक्टर के बाहर नहीं आई। क्या होता है मैं फिर रैंडमली वो फिर यू नो मैं मारती रहती, विच आई डिडंट डू, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ यू नो अगर मुझे किसी को इंटेल पास कराना है तो यू हैव अ कैंडिडेट। वो किया, फिर जोंगा सीखा कैसे ड्राइव, मतलब गाड़ी मैंने चलाई है जिंदगी में, मेरे ऑटोमेटिक चलाई है, जोंगा बहुत अलग चीज़ होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रक। तो एवरी मॉर्निंग 7 AM आई बी सर्कलिंग अंडर धर्मा प्रोडक्शंस पार्किंग लॉट फॉर दैट। फिर मेघना का बहुत एक इच्छा थी कि मैं अपनी उर्दू जो है वो साफ करवा लूँ, अपना जो मैं है और हैं और हूँ और हूँ और खत्म खतरा एवरीथिंग। तो वो मैंने एक महीना बैठ के उनके साथ किया। कैसे मतलब कैसे मतलब पढ़ के is there some secret to this? I'm not understanding. The movie watch. हाँ no, this story will not be sharing with anyone. Then also मेघना जी ने request किया कि मैं कोई पुरानी फिल्में देख लूँ, you know. Then मैंने कभी कभी कौन सी देखी आपने? Guys. नहीं. मैम आपको बताना चाहिए बात actually. नहीं. मैंने कभी कभी देखा. Stop it. सिलसिला stop it. ये कुछ सीक्रेट है जो हम लोग नहीं शेयर करने वाले, क्योंकि फिर मेरा तो वैसे भी सत्यानाश हो गया है और सत्यानाश हो जाएगा दुनिया में। नहीं तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पहले दिन जब हमने स्क्रिप्ट की रीडिंग की तो मुझे ज़बान थोड़ी सी कच्ची लगी कि ये मतलब जो ठहराव हमें चाहिए वो है नहीं। मैं कहा लिया ये 2-3 फिल्में हैं ये देख लो, उस वक्त के लोग किस तरह से बात करते थे, उनकी ज़बान कैसी होती थी और एक लहजा होता था बात करने का। तो उन्होंने वो फिल्में कुछ देखी और फिर अगले दिन जब आई वो रीडिंग के लिए तो मतलब ऑलमोस्ट 60% इम्प्रूवमेंट था उनकी जबान में। सो विकी आपने कैसे स्टोरी स्टॉप हेलो हां जी वन ऑफ योर साइड हु इज गोइंग टू गो एंड डिसाइफर द मैसेज दैट शी इज सेंडिंग डिड डा डिड डा डा Sorry, yeah. D. D. 1, 1, D.